everyone. Today we will study maths chapter number 2 long and short. Previous lectures में हमने टेक्स्ट बुक देखी थी जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे ऑफ देवी प्रसाद. यस, कुछ गर्ल्स खेल रही थी, लॉन्ग जंप ले रहे थे, तो उनका मेजर आपको फाइंड करना है, वो हमने स्टडी किया था. फिर एक पोयम हमने देखा था लास्ट टाइम, एरोप्लेन वाली, दैट यू कैन फ्लाई एंड फ्लाई, वो और कुछ ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच यूनिट विल यू मेजर. आप कौन सी चीज़ों के लिए कौन से यूनिट यूज़ करते हैं वो आपसे पूछा गया है. आपको तीन यूनिट दिए हैं, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. तो आप कौन से चीज़ के लिए कौन सा यूनिट इन तीनों में से यूज़ कर सकते हैं वो आपसे पूछा गया है. मैंने ये पहले भी आपको ये चीज़ डिस्कस की थी, अगर आपको कोई क्लॉथ मेजर करना हो, क्लॉथ, तो वो मीटर में काउंट का किया जाता है. और कोई ज़्यादा डिस्टेंस हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस हो, वो हमेशा किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है. और छोटी चीज़ अगर आपको दी गई है, एकदम छोटी चीज़, तो वो आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे. किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर. यहाँ पे हमारे पास 10 एग्जांपल्स हैं, हम ये एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, लेंथ ऑफ अ पेन, कोई भी पेन आप ले लो, कोई भी पेन, तो पेन का मेजर आपको लेना है, तो आप किस में मेजर करोगे? किलोमीटर में? नो, क्योंकि किलोमीटर कहाँ यूज़ होता है, जब एक जगह से दूसरे जगह का डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो वो किलोमीटर्स में होगा. अपनी जो पेन होती है वो मीटर में होती है, हमेशा क्लॉथ मीटर में काउंट किया जाता है. और उससे भी छोटी चीज़ होती है तो सेंटीमीटर में काउंट किया जाता है. तो यहाँ हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर, ये पेन हम सेंटीमीटर में काउंट करेंगे. फिर आपको पूछा गया है सेकंड में योर हाइट, आपकी हाइट आप किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में या मीटर में? मीटर में, नो, सेंटीमीटर में. ओके, आपकी हाइट हमेशा सेंटीमीटर में मेजर की जाती है या फिर फुट में की जाती है, बट वी डोंट हैव दैट ऑप्शन, सो वी विल राइट सेंटीमीटर. थर्ड वन, लेंथ ऑफ अ गार्डन, गार्डन का जो लेंथ है वो आप कैसे मेजर करोगे? यस, गार्डन वो बड़ी चीज़ होती है जहाँ आप खेलने जाते हो, एंजॉय करने जाते हो, रनिंग करते हो, इट मीन्स इट हैज़ मच मोर डिस्टेंस. ओके, तो आप इसमें लिखोगे किलोमीटर्स, जो गार्डन होता है वो किलोमीटर्स में फैला होता हो है. ओके, ये चीज़ आप याद रखेंगे. लेंथ ऑफ अ 500 रुपी नोट, आपको कोई भी नोट दी है, रुपीज़ की नोट दी है, आपको उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो आप किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर? सेंटीमीटर, यस, क्योंकि वो छोटी होती है, इस वजह से हम सेंटीमीटर लिखते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर, यस, मैंने पहले ही आपको कहा था, एक जगह से अगर आप दूसरी जगह जा रहे हो तो वो डिस्टेंस आप हमेशा किलोमीटर्स में ही काउंट करोगे. ओके, सो वी विल राइट हियर किलोमीटर. ओके, नाउ सिक्स्थ, डिस्टेंस ऑफ बस स्टेशन फ्रॉम होम, घर से बस स्टेशन का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो आप किस में फाइंड करोगे? किलोमीटर्स. हाइट ऑफ कुतुब मीनार, अब देखिए, हमने देखा था टेक्स्ट बुक में इसकी हाइट थी 72 मीटर, यस, सो वी विल राइट इट इन मीटर. सेंटीमीटर तो छोटे चीज़ों के लिए यूज़ होता है और किलोमीटर बहुत बड़े बड़े चीज़ों के लिए यूज़ कर होता है, लेकिन ये बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, इसलिए हम ये चीज़ मीटर में भी काउंट कर सकते हैं. लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच, क्रिकेट पिच की जो लेंथ होती है वो आप किस में मेजर करते हो? वो हम मीटर में मेजर करेंगे. हाइट ऑफ अ ट्री,
ट्री की आपको हाइट मेजर करनी है, तो ऑब्वियसली वो किलोमीटर जितना लंबा तो ट्री नहीं होगा, इतना बड़ा तो ट्री नहीं ही होगा. सो यू विल राइट हियर मीटर. एंड हियर वी हैव लास्ट क्वेश्चन. ओके, लेंथ ऑफ अ बाइसिकल. आपकी जो साइकिल है, कोई भी साइकिल अगर आप ले सकते हो इसके लिए, तो उसका लेंथ आप कैसे मेजर करोगे? बाय मीटर. ओके, यहाँ हम एक और ऑप्शन लिख लेते हैं. एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट टू फाइंड लेंथ ऑफ अ क्लॉथ. क्लॉथ का लेंथ फाइंड करना है तो किस में आप यूज करोगे? मीटर में. ओके, तो ये आपको पता चल गया कि कहाँ सेंटीमीटर यूज़ होता है, कहाँ मीटर यूज़ होता है और कहाँ किलोमीटर यूज़ होता है. ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे नेक्स्ट टाइम. ओके, वी कम टू नेक्स्ट पेज. ओके, इन दिस क्वेश्चन ड्रॉ द पिक्चर्स बाय द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड. यहाँ पे आपको जितनी इंस्ट्रक्शंस दी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं. ये चीज़ मैंने आपको टेक्स्ट में करवाई हुई है. ओके, तो पहले फर्स्ट देखते हैं, इंक्रीज द लेंथ ऑफ हैंड बाय 1 सेंटीमीटर. ये जो दिया गया है गर्ल, वो गर्ल का जो ये हैंड है, पहले आपको मेजर करोगे, उसके बाद उसमें आप 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करके यहाँ एक और पिक्चर आपको बनाना है. ओके, आई विल शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये जो पिक्चर आपको दिया है वो आप यहाँ ड्रॉ कर लोगे. ओके, लाइक दिस. पहले सर्कल करना है ऐसे. Like this. Okay. Then we will draw its leg. Leg का आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो. It's not necessary to draw it properly. ओके, अब आपको चेक करना है कि इनका हैंड का डिस्टेंस कितना है. हमेशा मैंने आपको ये बताया था कि पहले जब आप लेते हो तो जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो पॉइंट हमेशा ज़ीरो पे आना चाहिए. आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा ज़ीरो पॉइंट है और वो पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ आ रहा है, ये गर्ल के हैंड के पास. यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो यहाँ जो एंड पॉइंट हमें मिला वो 3 पे है. किस पे है? 3 पे. और हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ हैंड बाय 1 सेंटीमीटर, और आपको वो हाथ इंक्रीज करना है 1 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, तो प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर. यस, तो हमें यहाँ पे इसका हैंड 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, लाइक दिस. देखिए, मैंने 0 यहाँ रखा है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है. 4 सेंटीमीटर तक ही लाइन हम ड्रॉ करेंगे. ओके, यस, इन दिस मैनर. और ये इनका हाथ. ओके, अंडरस्टूड? एज इट इज आप ड्रॉ करोगे और इसका जो हैंड है वो 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दोगे. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ अ पेंसिल 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स देन दिस पेंसिल. अब शॉर्टर का मतलब होता है छोटा. ओके, छोटा मतलब कम. यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पेंसिल है उसे 3 सेंटीमीटर और छोटी बनानी है. कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट वी विल टेक द स्केल, और इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ वो हम 0 पे रखते हैं. फिर वहाँ से जो यहाँ तक है वो हमें देखना है, तो ये 10.5 तक आ रहा है. कितना आ रहा है? इट इज़ 10.5 सेंटीमीटर.
इसमें से आपको 3 सेंटीमीटर शॉर्ट करना है, आपको 3 सेंटीमीटर शॉर्ट करना है, तो आपका आंसर होगा 3.5 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर और आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको 7.5 की यहाँ पेंसिल ड्रॉ करनी है। पहले हम स्केल लेंगे, उसमें यहाँ पे 0 पे पॉइंट रखने के बाद 7.5 तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, आप देख सकते हो 7 आ गया है, उसके बाद में जो 5 लाइन है, तो जो मिडल वाली थोड़ी बड़ी होती है वहाँ तक आप लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से। यस, फिर उसके साथ में हम और बड़ी लाइन सामने ले रहे हैं और उसे थिक पेंसिल बना देंगे। ओके, आपको इसी तरीके से आपको पेंसिल भी ड्रॉ करनी है। ओके, एंड हियर इज अवर पेंसिल विच इज 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस पेंसिल। ओके, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, ये पेंसिल लार्जर है और ये पेंसिल थोड़ी शॉर्टर है इस पेंसिल से। ओके, नाउ वी हैव अनदर पेज एंड वी विल रीड ऑल दिस इंस्ट्रक्शन दैट व्हाट वी हैव टू डू। ड्रॉ द लाइन्स एज पर मेजर। अब यहाँ पे आपको सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, आपको सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट मेजर है 9.3 सेंटीमीटर। इट मीन्स आप स्केल लोगे, स्केल में 0 से स्टार्ट करना है, वहाँ पॉइंट रखना है और 9.3 तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले 9 आपने देखा और उसके छोटे छोटे जो लाइन्स है उसमें से 3rd नंबर की लाइन पे आपको जाना है। इट्स 9, फिर 1, 2 एंड 3। यस, यहाँ पे हमें पॉइंट रखना है और फिर आपको ये लाइन ज्वाइन कर देनी है। देन यू हैव टू ज्वाइन दिस लाइन एंड दिस पॉइंट्स। ये है आपकी लाइन हैविंग 9.3 सेंटीमीटर मेजर। इस तरीके से आपको डॉट भी देना है ताकि पता चले कि इसका एंड पॉइंट कौन सा है। और यहाँ हम नीचे लिखते हैं 9.3 सेंटीमीटर जो इसका मेजर है वो। नाउ नेक्स्ट 6.4। ओके, तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे, स्केल में हम देखते हैं 0 कहाँ है। यस, तो वहाँ पे हम पहले डॉट रखेंगे, फिर 6.4 पे डॉट रखेंगे इस तरीके से एंड जॉइन दिस डॉट एंड मेक अ प्रॉपर एंड नीट एंड क्लीन लाइन। और आपको एकदम प्रॉपर और नीट एंड क्लीन लाइन बनानी है। ओके, और इसका मेजरमेंट है 6.4 सेंटीमीटर। ओके, यस, आपको ये सीखना होगा कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप मेजरमेंट अच्छे से नहीं ले पाओगे या फिर आप में कोई मिस्टेक, आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो आपकी जो लाइन है उसके मेजरमेंट में भी मिस्टेक आ सकती है और आपका ये पूरा आंसर भी गलत हो सकता है। इसलिए आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है और अच्छे से आपको वर्क करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये होता है कि दोनों साइड्स। ओके, स्क्वायर ऐसी चीज़ है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और वेर एज रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो उसमें दो साइड सेम होती है, सामने सामने की दो साइड सेम होगी। तो सबसे पहले अब हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। 5 सेंटीमीटर कहाँ है, तो 0 से हम 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर नीचे से भी हम 0 से 5, जहाँ पे ये पॉइंट हमने छोड़ा वहीं से हम नीचे से दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगेन 5 से 0 तक। ओके, एंड अगेन 0 5 लाइन ड्रॉ करनी है।
और इस तरीके से आपका स्क्वायर बन गया जिसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखोगे, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, अगेन यहाँ 5 सेंटीमीटर, एंड हियर ऑल्सो यू विल राइट 5 सेंटीमीटर। ये हमारा स्क्वायर बन चुका है। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक अ रेक्टेंगल जिसके ऑपोजिट 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ये चीज़ आप याद रखोगे। ओके, एक साइड है 7 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से 0 to 5 में एक लाइन ड्रॉ की है। फिर दोनों स्लीपिंग लाइन हमें 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। तो आपको 7 तक लाइन ड्रॉ करना है लाइक दिस। ओके, यस। फिर स्टैंडिंग लाइन एंड हियर इज अवर रेक्टेंगल। ओके, आपको ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो जाए। आपसे मिस्टेक हो जाएगी तो आपका जो फिगर है वो बिगड़ भी सकता है। यहाँ हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, एंड हियर ऑल्सो वी राइट 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस वॉज अवर स्क्वायर एंड दिस इज़ अवर रेक्टेंगल। दोनों चीज़ें अलग है, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान देना। बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। ओके, नाउ वी विल टेक अनादर पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट। ये मैंने सिखाया हुआ है, मैंने आपको कुछ रिलेशंस बताए थे। मैं अभी पहले आपको वो लिख के यहाँ दिखा रही हूँ। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा। अगर 1 किलोमीटर होता है तो 1000 मीटर हो जाएगा कन्वर्ट उसका, और अगर 1 मीटर दिया है तो वो होगा 100 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है आपको 6 मीटर, तो आपको उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हमें रिलेशन में क्या था, अगर 1 मीटर होते हैं तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। यहाँ पे हमें 6 मीटर दिया है तो क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको जो नंबर दिया है वो आप एज इट इज़ लिखोगे, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 100। ओके, और फिर आप नीचे लिखोगे 600 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपको इस तरीके से कन्वर्जन के समय दिखाना होता है दैट व्हाट यू हैव डन टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 मीटर्स, 45 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप 45 एज इट इज़ लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 लिखोगे, उसके बाद में इसका आंसर है 4500, 4500 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 73 मीटर। तो यहाँ पे एज इट इज़ 73 लिखेंगे, उसमें हम 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, देन वी विल गेट 7300 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट वन, 8.4 मीटर। अब आप देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट है, तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आप उसमें अब क्या करेंगे। सबसे पहले हम 8.4 सेंटीमीटर एज इट इज़ लिख लेते हैं, उसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 100। सो वी विल मल्टीप्लाई 100। जब भी डेसिमल वाले पॉइंट के साथ आपको 100 या कोई भी ज़ीरो वाले टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें वो आपका डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा।
राइट साइड आपका वो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो यू विल राइट 84. ये दो ज़ीरोज़ है तो आप दो ज़ीरोज़ लिख लो. अब आप देखिए कि पॉइंट के बाद वन डिजिट है, इट मींस ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आया वो लिखना है, और यहाँ पे वन पॉइंट डिजिट के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे भी वन डिजिट के बाद पॉइंट रखना है. वन डिजिट के बाद आपको पॉइंट रखना है. और अब सेंटीमीटर, अब आपको इसे बोलना है तो आप 840.0 ऐसा नहीं बोलोगे, डायरेक्टली आप बताओगे 840 सेंटीमीटर. पॉइंट के बाद अगर कितने भी ज़ीरोज होते हैं तो वो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके, नाउ वी कम टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू मीटर. यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, अब यहाँ पे आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 900 सेंटीमीटर, तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना है, आपको सबसे पहले ये नंबर एज इट इज़ लिखना है. पहले हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई किया 100, अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100. ओके, ये याद रखना है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब हमें डिवीजन में 100 लिखना है, और जो इक्वल इक्वल्स है वो कट हो जाएगा, कैंसिल हो गया. यस, व्हाट विल रिमेन, 9. अगर डिनोमिनेटर में ओनली 1 है तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल ये 9 हो जाएगा. एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, 9 मीटर. नाउ हियर वी हैव 5 किलोमीटर्स. यस, हियर वी हैव 5 किलोमीटर्स. अब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे हमने देखा था किलोमीटर और मीटर के रिलेशन में 1000 दिया है, कितना दिया है 1000. अब यहाँ पे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो रहा है तो हम 1000 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे. 5 एज इट इज़ लिखना है आपको, मल्टीप्लाई बाय दिस 1000. ओके, और फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा एंड 000 मीटर. ओके, यस, नाउ कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर. अब सेंटीमीटर से मीटर में होगा तो हमें डिवीजन में 100 लिखना है. ओके, सबसे पहले लिखते हैं 670/100. 00 कैंसिल, अब 10 अभी भी रिमेनिंग है. ये चीज़ अब याद रखोगे आप कि आप डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है. अब आपको 10 है यानी 1 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट रखना है. इस तरीके से आप ये सॉल्व करोगे. ओके, नाउ फोर्थ वन, 2.5 किलोमीटर्स. 2.5 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले 2.5 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, तो अब 25 एज इट इज़ लिखना है, पॉइंट प्लेस पहले नहीं करेंगे, सारे नंबर्स आप लिख लोगे एंड मीटर्स भी लिखना है. अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो पीछे 10 को हम निगलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, और फिर 1 डेसिमल पॉइंट रखते हैं. फिर आंसर आएगा 2500 मीटर. यस, हियर वी हैव दिस लास्ट आवर आंसर. आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने किस तरीके से किया है. ओके, नाउ यू हैव होमवर्क. ये क्वेश्चंस आपको घर पे होमवर्क के तौर पे करने हैं. इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. I'll write here homework. Okay? ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है. अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो. और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके सॉल्यूशन आपको बता दूँगी, इनके आंसर्स आपको बता दूँगी. इट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक है. ओके, नाउ टुडे आई विल स्टॉप माई लेक्चर हियर.
and prepare these things and ready for next lecture. Take care. Goodbye.